इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गेन के बारे में पढ़ाया था और भी सारा कई सारा चीज़ हमने कवर करवाया था ना जी। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो हम लंग्स पढ़ेंगे, लेकिन लंग्स से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि सबसे देखो हमारे ये जो कैविटी होता है ये दो तरह का कैविटी होता है। एक जो बाहर वाला कैविटी है वो बकल कैविटी जिसमें हमारा पूरा मुंह आ जाता है, इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। और उसके पीछे कौन सा कैविटी है, नेजल कैविटी जिसमें हमारा ये नाक का रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। ठीक है, ये दो तरह का कैविटी होता है। ये कैविटी जो है मतलब जैसे जैसे हम बकल कैविटी से ओरल कैविटी की तरफ बकल कैविटी से नेजल कैविटी की तरफ जाएंगे, ये जो हमारा पैलेट है वो हार्ड पैलेट कैसे होता चला जाएगा, सॉफ्ट पैलेट में बदलता चला जाएगा। ठीक है, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे टर्मिनेट करता है वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा, उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, उबला बोलते हैं। ठीक है, और वो उबला क्यों पाया जाता है ये पिछले क्लास के लेक्चर में हमने बताया था कि उबला क्यों पाया जाता है और उबला का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। ठीक है ना, तो उबला का क्या काम होता है, मान के चलो ये हमारा मतलब बकल कैविटी है या फिर ओरल कैविटी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पैलेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारा नेजल कैविटी है। ठीक है, ये हमारा ओरल कैविटी है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना या वो फूड बैक फ्लो होकर के हमारे नेजल कैविटी में ना चला जाए, इसी चीज़ के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, उबला पाया जाता है। ठीक है, जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो ऐसे दिखता है यहाँ पे एक ऐसे एक छोटा सा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली की तरह ऐसे दिखता है ना जी लटका हुआ। ठीक है ना, वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट का ही एक जो है मतलब पार्ट है, वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट क्या होता है तो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम उबला बोलते हैं, इसको उबला बोलते हैं। इसमें कोई बोन नहीं होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ से अगर हम खाना खाते हैं तो जब ये खाना जब हमारे बॉडी में चला जाता है, जब ये खाना चला जाता है नीचे हमारे पेट में जाता रहता है तो प्रेशर से हो सकता है, ये भी तो पोर है ना जी, ये भी नेजल पोर है, यहाँ से खाना बैक फ्लो होकर के नेजल कैविटी में जा सकता है। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए जब हम खाना निगलते रहते हैं ये उबला बंद कर देता है। कहाँ पर ये उबला क्या होता है, तो इस जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस जगह पर शिफ्ट होकर के जैसे ही खाना गया तो ये यहाँ के शिफ्ट होकर के इसको बंद कर देता है। इसका बंद करने का मेन रीज़न ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना बैक फ्लो होकर के हमारे नेजल कैविटी में ना जा पाए। ठीक है, इसका मुख्य पर्पस यही होता है। ठीक, इतना तक हमने कल पढ़ा दिया था, कुछ कुछ हम लिख लेते हैं। इसी चीज को लिख लेते हैं हम, एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड उबला लिफ्ट अप। ठीक है, जब हम खाना को निगलते रहते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, उबला हमारा लिफ्ट अप यानी कि ऊपर उठ जाता है और कवर कर लेता है किसको, इंटरनल लेयर को, एंड कवर्स इंटरनल लेयर्स, और इंटरनल लेयर्स को कवर कर लेता है। ठीक है, क्यों कवर कर लेता है कि हमारा जो फूड है वो फूड बैक फ्लो होकर के हमारे नेजल कैविटी में ना जा पाए। ठीक है, ये उबला हमारे इंटरनल नेयर्स को क्यों कवर कर लेता है, क्योंकि जो ये फूड है जो हम फूड खा रहे हैं ये फूड जो है सो बैक फ्लो होकर के हमारे नेजल पैसेज में ना चला जाए। तो लिखेंगे सो प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ फूड इन
नेजल पासेज, ठीक है। इससे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, सेलोइंग, स्वेलोइंग, ठीक है ना। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, ठीक है ना, निगलना। जब हम खाने को निगलते हैं, देन उबला लिफ्ट अप, उबला लिफ्ट अप, उबला क्या होता है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे क्या होता है, एंड कवर्स द इंटरनल लेयर्स सो प्रिवेंट इंटरिंग ऑफ फूड इन नेजल पासेज, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो जो हमारा उबला होता है, हमने क्या बताया, लिफ्ट अप कर जाता है, ऊपर की तरफ अप कर जाता है, जिससे ये क्या करता है, हमारे नेजल पासेज में फूड के एंट्री को क्या करता है, तो ये रोक देता है, ठीक है ना। ये नेजल पासेज में फूड के एंट्री को रोक देता है। यही रीजन होता है, कभी कभी क्या होता है, मान के चलो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान क्या होता है, तो हमको खांसी आ जाता है, तो क्या होता है, नाक से हमारा खाना निकल जाता है, निकल जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाना होता है वो एकदम प्रेशर के साथ निकलता है, और उबला टाइम पे बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक और कंडीशन है, जैसे मान के चलो हमने बताया था कि दो तरह का जो है, मतलब ये पाइप ओपनिंग पाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स में दो तरह का ओपनिंग पाया जाता है, एक ओपनिंग को बोलते हैं गुलेट और एक को बोलते हैं ग्लोटिस। जो गुलेट होता है, वो गुलेट जो है सो मतलब किसका ओपनिंग है, इसोफेगस का ओपनिंग है, और उसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो गुलेट से जो है सो मतलब क्या इंटर करता है, खाना इंटर करता है, फूड इंटर करता है, और जो हमारा ग्लोटिस होता है उससे क्या इंटर करता है, एयर, ठीक है। तो एयर किससे इंटर करेगा, ट्रैकिया से, ठीक है ना, किससे इंटर करेगा, ट्रैकिया से। तो जाहिर सी बात है, ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हम ग्लोटिस बोलते हैं, और जो हमारा फूड पाइप इसोफेगस का जो ओपनिंग होता है उसको हम गुलेट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और हमने बताया था, जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के ऊपर में क्या होता है, तो एक मान के चलो ये हमारा लैरिंग्स है, ठीक है। ये दो तरह का जो है मतलब पाइप जो है सो जाता है अंदर। देखो साइंस का जो जितना भी डायग्राम होता है ना, वो सब सारा का सारा इमेजिनरी डायग्राम होता है, ठीक है। साइंस में कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं होता है जो मतलब उस चीज़ को सही से रिप्रेजेंट कर पाए, यह एक इमेजिनरी डायग्राम है, ठीक है ना। हम जितना भी डायग्राम, कई सारे बच्चों का जो है कमेंट्स भी आता है, सर आपका डायग्राम नहीं समझ, तो डायग्राम जो भी होता है वो इमेजिनरी डायग्राम होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए हम इमेजिनरी तरीके से उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, और वो यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर डायग्राम बना बना के समझाना, ठीक है, उसके लिए तो फिर स्मार्ट बोर्ड और फिर एक एक चीज़ को जो है सो कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जो ये डायग्राम है इसी से समझो, और तुम लोगों को भी अगर एग्ज़ाम में बनाना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको एकदम अच्छा से कला बनाने नहीं आया, नहीं। तुम्हारा जो डायग्राम जो तुमको आता है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। वो कॉन्सेप्ट को अगर तुम रिप्रेजेंट कर दोगे तो यही कॉन्सेप्ट से ही डायग्राम तुम्हारा बनेगा। तुम्हारा जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, तुम उतना अच्छा से तुम डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो किसी को ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मान के चलो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में हमने क्या बताया था, ये कॉमन पासेज होता है फूड और एयर का, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है ये फूड और एयर का एक कॉमन पासेज होता है, इसमें फूड भी पास करता है और एयर भी पास करता है, ठीक है। तो देखो ये फेरिंग्स हो गया, ये क्या हो गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया। अब ये है ट्रैकिया और ये है फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस भी बोलते हैं, इसोफेगस, ठीक है। ये हो गया ट्रैकिया और ये हो गया फूड पाइप, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है इसके ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और जो इसका ओपनिंग होता है, जो फूड पाइप का ओपनिंग होता है इसोफेगस, उसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम गुलेट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, तो मिस्टेक हो जाता है, मान के चलो जो ग्लोटिस का जो अपरी अपर लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम इपीग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। ये इपीग्लोटिस जो होता है ये इस ओपनिंग को कवर करके रखता है, ठीक है, ताकि इस ट्रैकिया के अंदर में कोई फूड गलती से ना जा पाए। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर इसमें कोई फूड चला भी गया तो क्या वो डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। क्यों नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा, इसके पीछे का ये रीज़न है, क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम पाया नहीं जाता है। अगर मान के चलो ये चला भी जाएगा तो ये उसके अंदर में जाके सड़ेगा, ये उसके अंदर में जाके
सड़ेगा, और सड़ेगा तो इससे क्या हो सकता है, कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारा बॉडी इस सब मामले में बहुत समझदार होता है, ठीक है। हमारे बॉडी को जहाँ पे जो चीज़ें नीड होती है, जो चीज़ें चाहिए होती है, बॉडी खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेती है, और जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है, जो फॉरन पार्टिकल्स के रूप में हमारे बॉडी में आती है, उसको बॉडी खुद ब खुद क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। कभी कभी जो है मतलब तुमने देखा होगा कि अगर बॉडी में जो है मतलब किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। तो ये जो बुखार है ये कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है, ठीक है। बुखार एक सिम्टम है कि इसके अंदर में किसी न किसी बीमारी का संक्रमण हो चुका है, ठीक है। बुखार किसी बीमारी का सिम्टम है। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी है ये कई तरह से ऐसे सिम्टम देती है, जब हमारे बॉडी के अंदर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है उसमें कई तरह का जो है मतलब इंडिकेशन देती है, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे शरीर में कहीं पे एलर्जी हुआ, तो अगर कहीं पे एलर्जी होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, तो या तो हमको खांसी आने लगती है, रनिंग नोज होने लगता है, ठीक है ना, या फिर पूरे बॉडी में इचिंग होने लगती है। ये क्या है, ये हाँ, तो हम देखो हम क्या बता रहे थे, ये जो फेरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स जो है सो कॉमन पासेज होता है फूड और एयर का, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। इसको ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। अब फूड पाइप इसोफेगस का जो ओपनिंग होता है इसको हम गुलेट बोलते हैं, ठीक है। और जनरली ग्लोटिस के ऊपर में हम ये सब सारा का सारा चीज़ बता दिए हैं, लगभग लगभग तीन दिन से हम ये बता रहे हैं, तीन लेक्चर में हम बताए हैं, ठीक है। एक चीज़ बस तुम लिख लो इतना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हमने ऐसे बता तो दिया कि फेरिंग्स कॉमन पासेज है फूड और एयर का, ठीक है ना, लेकिन बच्चे इसको भूल जाते हैं और कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फेरिंग्स इज द ओनली पार्ट वेयर फूड एंड एयर मिक्स टुगेदर, ठीक है ना। जो फेरिंग्स होता है यह एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड और एयर क्या होता है, आपस में मिक्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, फूड और एयर आपस में क्या होता है, मिक्स होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है ये फूड और एयर ये दोनों का क्या है, कॉमन पासेज है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फूड और एयर का दोनों का कॉमन पासेज है, ठीक है। अब अगला हमारा जो ये तीसरा है, हम अभी हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमने दो चीज़ बताया था, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लंग्स, ठीक है ना। तो अगला हमारा क्या है, फेरिंग्स। अब हम क्या करेंगे, हम बकल कैविटी से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स भी हमने बता दिया कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर से भी समझा दिया था। अब अगला और हम थोड़ा नीचे आएंगे, हमको क्या मिलेगा, लैरिंग्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, लैरिंग्स। कई बार बच्चों को जो है मतलब कन्फ्यूजन भी होता है फेरिंग्स और लैरिंग्स में, सर पहले फेरिंग्स आता है कि पहले लैरिंग्स आता है, ठीक है ना। तो पहले क्या आता है, फेरिंग्स आता है। समझ में आ गया, नोट करो इसको, हो गया। तो जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। समझ में आया, हम जो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये आवाज़ कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, लैरिंग्स में बन रहा है। समझ में आया, कहाँ पे बन रहा है, लैरिंग्स में बन रहा है, ठीक है।
कभी कभी तुमने देखा होगा डीजे उजे जो बजता है तो डीजे में आवाज़ कहाँ से आता है, तो डीजे में लगा रहता है स्पीकर, वही स्पीकर बजता है तो उससे आवाज़ निकलता है। तो स्पीकर को हम क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। वो डीजे में जो स्पीकर लगा है उसको क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें से क्या होता है तो आवाज़ निकलता है। उसी तरह से हम जो कितना आदमी बोलेगा कि हम हमारे जो है मतलब जीभ से साउंड उत्पन्न होता है, नहीं जीभ से साउंड उत्पन्न नहीं होता है, जीभ जो है जो हमारा जीभ होता है ये साउंड को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, कई सारा ऐसा वर्ड है जिसमें हमारा जीभ काम आता है, किसी में होठ काम आता है। तो वेव का जो ये जनरेशन होता है वो हमारे लैरिंग्स में ही होता है। साउंड वेव बनता कहाँ पे है, लैरिंग्स में बनता है, लेकिन वो वेव जब बाहर आता है तो उसको हम कई तरीके से हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जो हमको सिर्फ जीभ से ही मतलब मॉडिफिकेशन उसका होता है। ठीक है, अगर हम जीभ पकड़ लेंगे और उस वर्ड को बोलेंगे तो वर्ड हम नहीं बोल पाएंगे। तो हमारा जो वेव का जो जनरेशन होता है वो कहाँ से होता है, वेव कहाँ से जनरेट होता है, लैरिंग्स से होता है। क्यों लैरिंग्स से होता है, क्योंकि लैरिंग्स में क्या होता है, साउंड बनता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन भी कह सकते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन भी हम लैरिंग्स को कहते हैं। समझ में आ गया ना, लैरिंग्स को हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, नोट करो, तो लिख लेंगे इसी को, लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखिए, अब लैरिंग्स में भी जो है मतलब दो तरह का आता है, एक होता है ट्रू कॉर्ड, एक होता है फॉल्स कॉर्ड। तो ये हमारे जो है मतलब सिलेबस में नहीं है, पढ़ाने के लिए तो हम पूरा डिटेल में पढ़ा सकते हैं। समझ में आया ना, पढ़ाने के लिए तो हम जूलॉजी में PhD करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी बच्चे को अगर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन अगर दिखता है, अगर किसी हो, क्योंकि अगर जो हमारा जो नीट का सिलेबस है, 11 12th का सिलेबस है, तो उससे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि हमारे NCERT के सिलेबस में नहीं है। और जो हमारा जितना भी एग्जाम होता है 11 12th बेसिस पे, वो सारा का सारा किस बुक को फॉलो करती है, सिर्फ NCERT पैटर्न को फॉलो करती है। और हमारे NCERT के सिलेबस में ये ट्रू कॉर्ड और फॉल्स कॉर्ड है नहीं। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को किसी हायर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कि हम सारा डिटेल में हम पढ़ा देंगे। समझ में आया, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे NCERT के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब अगला जो हमारा, हमने लैरिंग्स का बस इतना ही काम होता है। ठीक है ना, और भी अगर काम इसका होता है तो हमको बस इसका एक ही काम समझना है कि लैरिंग्स क्या करता है, तो हमारे अंदर में साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है ना, वॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए हमको कई बार जो है मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दे देता है, फेरिंग्स दे देता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन इन आवर बॉडी। ठीक, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब देखो ऑप्शन में कैसा कैसा रहता है, पहला फेरिंग्स, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा इसोफेगस, ठीक है, और चौथा है लैरिंग्स। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे नीट में भी आता है, हमारे ये जितने भी बोर्ड वोर्ड का एग्जाम होता है सब में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारा का सारा चीज़ इस कॉन्सेप्ट से ही रहेगा, क्योंकि हमने NCERT का लाइन का एक एक
पार्ट कवर किया है और उसको डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से पैदा नहीं होता है, सारा का सारा स्टेटमेंट से ही बनता है, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से ही बनता है, ठीक है। नोट कर लिया क्वेश्चन भी। अगला हमारा टॉपिक है ट्रेकिया। अब हम देखो सबसे पहले फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमको देखिए दो रास्ता मिलता है, एक होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर हम कब घुसते, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, वो हमने पढ़ चुका है, हमने ऑलरेडी उसको 12 से 15 लेक्चर में टोटल कवर करवाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पढ़ाया है, ठीक है। अब लेकिन हमको उधर नहीं जाना, हमको ईसोफेगस की तरफ नहीं जाना, हमको जाना है ट्रेकिया की तरफ, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसलिए हमको क्या करना है, अब ट्रेकिया। तो पहले फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, अब क्या है ट्रेकिया। अब हम क्या करेंगे, तो ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया लिखो, सभी जानते हैं कि ट्रेकिया किसको कहते हैं, श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है ना। श्वास नली या फिर ग्रासिका हिंदी में जो बोलते हो, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको ट्रेकिया ही बोलते हैं। इसके माये क्या है, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे हवा जाती है हमारे बॉडी के अंदर में और वो लंग्स में जा करके क्या होता है, ऑक्सीजन किसके साथ एक्सचेंज होता है, ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में चला जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो है सो मतलब ध्यान रखना, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ये एक्सचेंज जोन का काम, आगे हम पढ़ाएंगे कौन सा कंडक्टिंग जोन है, कौन सा एक्सचेंज जोन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, तो इस चीज़ में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। जो हवा हमारे अंदर में जाती है, तो क्या जो ठंडा हवा जाती है, तो क्या ये उसी तरह से एब्जॉर्व हो जाती है, नहीं। जो हवा सूखी हवा जाती है हमारे बॉडी के अंदर में, तो हम जब सांस लेते हैं उस टाइम वो ठंडा लगता रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा ठंडा लगता रहता है, जब हम सांस पूरा अंदर लेते हैं तो वो तभी एक्सचेंज होता है जब तक हमारे बॉडी के फेवरेबल कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। जब तक हमारे बॉडी के फेवरेबल कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो हमारे बॉडी में क्या होगा, लंग्स में एक्सचेंज नहीं होगा वो एयर, ठीक है। तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो इतना लंबा रास्ता होकर के जब ये हमारे बॉडी में हवा प्रवेश करती है, तो वो क्या करता है, ये अपने आप को अडॉप्ट कर, जैसे बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को जो है मतलब अडॉप्ट करती है, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हो, ठीक है, जो भी है 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके अराउंड वो अपना क्या करती है, तो टेम्परेचर मेंटेन करती है। और दूसरी बात यह है कि सूखा एयर तो एक्सचेंज होगा नहीं, ठीक है ना, तो अपने आप को ह्यूमिडिफाई भी करती है। तो और उसके बाद जो हम एयर ले रहे हैं, उस एयर में बहुत ऐसे डस्ट पार्टिकल वगैरह सब भी हैं, ठीक है ना। जब जो हम एयर लेते हैं, वो एयर में क्या रहता है, बहुत ऐसे तरह के डस्ट पार्टिकल, गंदगी, जो हमारे जो नाक में म्यूकस पाया जाता है, ठीक है ना, नाक में म्यूकस, किसी को सर्दी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस निकलता रहता है, ठीक है ना। वो म्यूकस क्या करता है, नाक में बाल भी होता है बहुत आदमी को, नोज में हेयर होता है ना, क्यों होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, उसका काम बस यही होता है, जो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि प्योर हवा हमारे नाक में जा रहा है, वातावरण की सारी गंदगी से लेकर सारा चीज़ हमारे नाक के अंदर में जा रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो गंदगी है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाए, अगर वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर चली जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसी के चलते जो हमारे नाक में क्या होता है, तो बाल होता है, उसके बाद यहाँ पे म्यूकस होता है, जो हमारा फॉरेन हवा के साथ जो फॉरेन पार्टिकल होता है, ये बाल क्या करते हैं, तो उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल होता है वो म्यूकस में जाके चिपक जाता है, समझ में आया, इसीलिए ये म्यूकस निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जितना भी फॉरेन पार्टिकल है वो पहले सेपरेट होती है, फिर जो एयर जाती है वो अपने ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती है, ठीक है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। इसीलिए जो है मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं तो हवा ऐसे जब फूकते हैं, फूक करके देखोगे तो हवा गर्म निकलता है, क्यों गर्म निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, वातावरण के टेम्परेचर से गर्म है, वातावरण के टेम्परेचर से हमारा शरीर क्या है, गर्म है। इसीलिए जब हम फूकते हैं या हमारे बॉडी से जो मतलब जो भी पदार्थ निकलता है तो वो गर्म निकलता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है, वातावरण के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा क्या होती है, गर्म निकलती है, ठीक है। और सांस जब लेते हैं तो हवा क्या होती है, अंदर जाके पहले गर्म होती है, उसके बाद फिर एक्सचेंज होती है, ठीक है। अगला सबसे पहले लिख लेते हैं कि ट्रेकिया का लेंथ कितना होता है,
लिखेंगे, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसका लेंथ कितना, ट्रैकिया का लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक रहता है, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यह एक सीधा ट्यूब होता है। ठीक है, यह एक सीधा ट्यूब होता है एंड एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। और कहां से कहां तक एक्सटेंडेड रहती है, ये हमारे नेजल कैविटी से लेकर ट्रैकिया, ये हमारे कहां से, जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस से लेकर के हमारे मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंडेड रहती है। समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे ट्रैकिया के बारे में हो गया। ठीक, जो ट्रैकिया होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का शायद सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, और जो ट्रैकिया होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रैकिया जो है मतलब वो भी एक तो ये टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या कोई ऐसा बोन तो है नहीं। अगर मान के चलिए जो कुछ हमने कभी देखा है, गुब्बारा को देखा है, जब हम उसको फुलाते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, और जब उसमें से हम एयर निकाल देते हैं तो वो वापस से अपना पोजीशन ले लेती है। ठीक है ना, इलास्टिसिटी को जनरेट कर लेती है। ठीक है, ऐसा, लेकिन अगर मान के चलिए हमारा लंग्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी जो है मतलब मान के चलो कि अगर ट्रैकिया में अगर मान के चलो कि अगर हवा जा रहा है, जब तक हवा जा रहा है तब तक ठीक है। ठीक है ना, जब तक हवा जा रहा है तब तक ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो है मतलब अगर ट्रैकिया के अंदर में हवा गया, फूला, हमने हवा निकाला बाहर। ठीक है, हमने हवा बाहर निकाला, तो जब हम हवा बाहर निकालते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, वो वापिस से पिचक नहीं जाए, इसके लिए क्या होते हैं, तो वही उसमें कई सारे जो है सो सी सेपेड कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। हमारे ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं, सी सेप्ड कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं, जो कि हमारे ट्रैकिया को क्या क्या करते हैं, तो कोलैप्स करने से बचाते हैं। ठीक है ना, हमारे ट्रैकिया को क्या करते हैं, कोलैप्स करने से बचाते हैं। कभी कभी जो है सो आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा जो है सो मतलब कंडीशन में होता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके बॉडी में अगर किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है या किसी तरह की कोई खराबी आती है, तो जो बच्चा तो वैसे 9 महीना में उसका गेस्टेशन पीरियड रहता है, 9 महीना में उसका पार्चुरेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो गलती से बच्चा 7 महीना पे पार्चुरेशन हो जाता है। 9 महीना में पैदा होना चाहिए वो बच्चा, लेकिन 7 महीना में पैदा हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा पैदा तो हो गया 7 महीना में, क्या वो 7 महीना में क्या वो फुल्ली डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 7 महीना में वो फुल्ली डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो 7 महीना में फुली डेवलप नहीं कर पाया तो इमेच्योर बेबी पैदा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो लंग्स वगैरह सब होता है वो लंग्स फोल्डेड नहीं होता, मतलब लंग्स पिचका हुआ रहता है, उतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं रहता, उसको सांस लेने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।